Hello guys, welcome back again. In this lecture, we are going to solve level 2 problems of carbene and nitrene from MS Chauhan book. Okay, and in this lecture, we will solve comprehension based question. So see carefully, read this comprehension, and on behalf of this comprehension, try to solve question A, B, C and D. Okay, तो देखो इसको carefully read करना है. ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, इसको PHLI से रिएक्ट कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पे Cl एक वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये निकलेगा और इसके ठीक अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट होके इस पे चला आएगा. ठीक है, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है कि एंटी ग्रुप विल माइग्रेट बिकॉज ऑफ द लेस एस्टेरिक हिंडेंस. तो इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन ए करना है. अब देखो इस क्वेश्चन ए को कैसे करेंगे, सी केयरफुली. ये है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इट्स ए बेस, एंड बेस की क्या टेंडेंसी होगी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा. तो देखो ये Br निकलेगा, तो Br के ठीक अपोजिट कौन सा ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है. तो इसमें कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होगा. यानी ये जो है यहाँ पे आएगा और ये Br निकलेगा. अब जरा गेस करो कैसा प्रोडक्ट बनेगा. तो C डबल बॉन्ड, अब देखो ये C14 था और जब ये ऐसे निकला तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. अब देखो ये इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि एक लिविंग ग्रुप भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक लिविंग निकल रहा है और ये इस पे आ रहा है, तो ये जुड़ जाएगा, ये पीएच आ जाएगा. सी केयरफुली, कुछ है नहीं, इट्स ए इजी क्वेश्चन. एंड इसको आप एक फिनाइल ग्रुप और लगा लो, ठीक है, और इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट हमें बीआर लगा देना है. ऑलराइट, अब देखो बेस तो सिस्टम में पड़ा है, तो बेस की क्या टेंडेंसी होती है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक बेस है. तो देखो ये जो है यहां पर ऐसे बना लो आप CH3CO, ठीक है, इस कार्बन O माइनस, सॉरी आई डिड मिस्टेक, O माइनस के प्लस, ये है हमारा. ठीक है, इसको अच्छे से आप कर लो, लेट मी करेक्ट, O माइनस के प्लस. अब देखो ये बेस की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन लेने की, तो देखो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा. सी केयरफुली, प्लस के नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, तो ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे कर लेता हूं और ये हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा. जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा C जो कि 14 है. ये 14 इसलिए लिख रहा है कि ये डिस्टिंग्विश कर रहा है इस कार्बन को इस कार्बन से, ठीक है ना. अब यहाँ पे आप एक फिनाइल ग्रुप लगा दो, ये रहा फिनाइल ग्रुप, ऑल राइट, और यहाँ पे अगेन एक फिनाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है. अब यहाँ पे एक Br ग्रुप भी लगा दो, तो ये 14 हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा. दो बॉन्ड तो पहले से था, दो बॉन्ड पहले से था और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आ जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड. तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया, सी केयरफुली, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, तो ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ए का करेक्ट आंसर होगा ए. ऑलराइट, चलो अब आ जाओ बी क्वेश्चन पे. बी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगेन ये देखो पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये एक बल्की बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हैं. तो देखो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन कराएगा, Br यहां से निकलेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये हाइड्रोजन इसको लेगा, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, तो एक कार्बिन जनरेट हो जाएगा. तो फाइनली हमें करना क्या है कि ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट, और इसकी हेल्प से क्या जनरेट हुआ, हो गया कार्बिन जनरेट हो गया. सी ऐसे जनरेट कर लो डबल बॉन्ड और एक 5 की रिंग इसे जोड़ लो. देखो कैसे जनरेट होगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. ये सबसे पहले व्हाट विल हैपन, CHBr, तो Br ये निकलेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, यानी अल्फा एलिमिनेशन टाइप का हो गया. अब देखो ये ऐसे जाएगा, ये इस पे गया, ये ऐसे गया, तो क्या बन जाएगा, ये इस टाइप का एक एडक्ट बन जाएगा. ये बॉन्ड ऐसे जुड़ा, ये डबल बॉन्ड है और ये 5 की रिंग जोड़ दो आप, ठीक है. तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, ये सी ऑप्शन में दिया है, तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर सी पे, ये इजी क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द हैलाइड आयन, ठीक है ना. अब रेट ऑफ रिएक्शन हैलाइड आयन का मतलब कौन सा रिएक्शन, कौन सा हैलाइड आयन फास्ट रिएक्शन देगा. तो जो वीक बेसेज होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, सबसे अच्छे अगर हम टॉप टू बॉटम जाए पीरियोडिक टेबल में, FClBri, तो टॉप टू बॉटम बेसिसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है ना. यानी बेसिसिटी डिक्रीज होगी तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ेगी. तो सबसे गुड लिविंग ग्रुप क्या होगा, आई माइनस, देन बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर एफ माइनस. अब आ जाओ डी पे. डी देखो ये क्या कर रहा है, अगेन देखो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक बेस है और बेस की क्या टेंडेंसी होती है एलिमिनेशन कराने की, तो पहले ये बी आर निकलेगा, तो जब ये बी आर निकलेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. सी केयरफुली, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा
ये ऐसे गया। OCS3 ये कर सकते हो आप, डबल बॉन्ड C पे एक स्टार लगा दो और ये एच हो गया, ठीक है। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर। अब देखो पॉजिटिव चार्ज में Br के ठीक अपोजिट कौन सा ग्रुप है, ये यही ग्रुप माइग्रेट होगा। अगर देखा जाए तो Br के ठीक अपोजिट ये वाला ग्रुप है। अब देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, सी केयरफुली मैं रिंग एक्सपेंड करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। या तो आप देखो दो मेथड से कर सकते हो, ये Br निकाल के फिर H भी निकालो, H कौन लेगा, ये H यहाँ पे प्रोटॉन है, ये बेस जो है प्रोटॉन को लेगा और कार्बिन जनरेट कर देगा, या तो कार्बोकेटाइन से भी आप कर सकते हो। तो आप ऐसे कर लो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 की आप रिंग बना लो पहले। वी नो दैट यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी, क्यों, व्हेन एनी कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टली अटैच विद रिंग देन रिंग एक्सपेंड। तो देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टली रिंग से भी कनेक्टेड है। अब देखो अब क्या होगा, 5 की रिंग बना लो पहले आप, मेक ए 5 कार्बन मेंबर रिंग, डू नंबरिंग अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर लग जाएगा, लग गया। अब देखो 2 पे एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, ठीक है। 1 क्या है, स्टार लगा हुआ है, मतलब ये स्टार अदर कार्बन से ये डिस्टिंग्विश कर रहा है स्टार, ठीक है। अब देखो 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। 4 पे एक OCS3 ग्रुप लगा दो, OCS3, ठीक है, ये बन गया। अब हमारे पास क्या है, ये जो हाइड्रोजन Br माइनस जो निकला हुआ है, Br माइनस किस फॉर्म में निकला है, वो जाके इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आप 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, यहाँ पे OCS3 लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, स्टार लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो इसका ऑप्शन स्टार के जो नेबरिंग कार्बन पे Br लगा है और इसके नेबरिंग कार्बन पे 2 मिथाइल भी लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, क्लियर। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि कार्बिन जनरेट करके भी रिंग एक्सपेंड करा के कर सकते हो, ठीक है। कार्बिन पहले जनरेट कराओ, कार्बिन जनरेट करा के फिर रिंग एक्सपेंड करा दो, ठीक है। तो 2 मेथड से आप कर सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन 9, इट्स ए वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, अल्फा डाई जो कीटोन को जो है किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं Ag2O, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या जनरेट करता है, कीटीन जनरेट करता है। अब देखो इसका मैकेनिज्म मैं करा दे रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी अल्फा डाइएजोकीटोन ले लो, अल्फा डाइएजोकीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है RCOCHN2, मतलब N पे प्लस, ठीक है, डबल बॉन्ड N पे माइनस। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डाइएजोकीटोन, अल्फा डाइएजोकीटोन। मैकेनिज्म बेटा अच्छे से आप लोग देख लोगे, अगर ये समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखो ये रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो ये देखो कैसे जाएगा रेजोनेंस में, RCOCH पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, N पे पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये R घूम के इस पे जाएगा और ये N2 यहां से निकल जाएगा, यानी ये किटीन जनरेट करेगा, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया, तो इसको बोलते हैं किटीन, कीटोन प्लस C। तो ये रिएक्शन उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म आप समझ गए। अब आ जाओ एक क्वेश्चन पे, देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि PHCO और C पे 14 दिया है, ठीक है, CHN2, ऑलराइट, ये Ag2O से रिएक्ट करेगा, Ag2O एक बेस है, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो सेम कहानी है, देखो ये कैसे होगा, ये PH इस पे जाएगा, ठीक है, और ये N2 निकलेगा जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया है। देखो ध्यान से, ये R किस पे गया, ये वाला R, ये R मतलब एल्काइल ग्रुप, CH पे गया और ये N2 निकल गया। देखो R जो है ये CH पे गया, अगर मैं CH को स्टार बना देता हूं, इमेजिन करो, तो आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये देखो R किस पे गया, CH पे गया, तो सेम वही कहानी यहां पे हम रिपीट करेंगे। ये PH किस पे जाएगा, ये PH जो है ये CH पे जाएगा और ये N2 निकलेगा, तो ये बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और C पे ये लगा दो 14। अब आगे कह रहा है कि H2O से ये रिएक्ट किया, तो H2O मतलब हाइड्रोलिसिस कर दो, ये वाला बॉन्ड कैसे जाएगा, CO पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है,
क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, तो स्टेबल ज्यादा होगा। तो अब देखो इस पे एक माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो माइनस पे हाइड्रोजन चला जाएगा, प्लस पे क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा, ठीक है। और ये रहा 14, तो PHCH2COH, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आ जाओ बी ऑप्शन पे, क्या ये देखो ये बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये CH3OH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो इसका मैकेनिज्म मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, सी केयरफुली। सबसे पहले क्या होगा, ये कीटो ग्रुप लगा दो यहां पे, यहां पे स्टार लगाया हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एन माइनस, ठीक है। अब इसको रेजोनेंस में अपना रोल प्ले कराओ, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड ओ, यहां स्टार लगा दो, ये आ जाएगा माइनस एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। अब देखो यहां के बाद क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है, माइनस का मतलब एक लोन पेयर, ये यहां जाएगा और ये जो है ये वाला बॉन्ड इस पे चला जाएगा, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाला जो है इस पे चला गया, ठीक है। यानी कितने की रिंग बनेगी, देखो 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी, यानी ये आर माइनस जो ग्रुप है इस पे चला जाएगा। या तो आप ऐसे करा लो, या तो इसको बेहतर समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहां पे भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, ये स्टार हो गया, ये माइनस था, एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन, ये इसे गया और ये वाला बॉन्ड इस पे गया और ये नाइट्रोजन निकल गया, यहां से नाइट्रोजन भी निकाल दो, ठीक है। तो बात बराबर ही है, तो देखो ये कैसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये कार्बन इससे जुड़ गया, यानी 5 की रिंग बना दो आप, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड सी, और सी पे स्टार लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ ये बनेगा, और प्लस एन टू, एन ट्रिपल बॉन्ड एन निकल गया। अब देखो फिर ये CH3OH से रिएक्ट करेगा, CH3OH, अगेन ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल होगा, इस स्टार पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ अपना रेजोनेंस में रोल प्ले करेगा। यहां पे एक माइनस आएगा, यहां प्लस, ये देखो माइनस प्लस, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो इसको, तो ये बन जाएगा एच सी डबल बॉन्ड हो, यहां स्टार लगा दो, यहां लगा दो OCH3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसका कौन से ऑप्शन में दिया है, ये दिया ऑप्शन सी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल बी जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन सी पे, अब सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि इस कंपाउंड को CH3OH से रिएक्ट करेंगे, सेम वही कहानी है, देखो बेटा ये इस पे जाएगा, यहां से नाइट्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो सी पे हाइड्रोजन, सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, प्लस एन टू निकल गया। अब इस पे आप रिएक्ट करा दो किसका, CH3OH का, तो अगेन सेम ऐसे ही बॉन्ड जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सी, यहां पे एक हाइड्रोजन आप लगा दो, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो। इसका देखो इसका पोजिशन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है ना, माइनस इस पे आ रहा है, तो इसका पोजीशन जस का तस रहा होगा, ठीक है ना। तो सी एच टू सी ओ और ये आ जाएगा OCH3, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्लियर। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, तो बी नहीं, बी एक कार्बन की इसमें कमी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैच कर लो, इसमें एक कार्बन लेस है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, बट इसमें एक कार्बन लेस है, ठीक है। अब देखो डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में क्वेश्चन डी कह रहा है कि Ag2O से रिएक्ट कर रहा है, तो इन प्रेजेंस ऑफ NH3 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो सबसे पहले Ag2O के साथ जो है वुल्फ री अरेंजमेंट रिएक्शन कराएंगे, तो ये कार्बन जो है किस पे जाएगा, ये CH पे जाएगा और ये निकल जाएगा, सेम ये CH पे जाएगा, N2 निकल जाएगा, यहां पे वुल्फ री अरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तो देखो इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, ये दो रिंग तो आप ऐसे ही बना लो, ठीक है। ये कार्बन CH पे चला गया, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और ये पोजीशन सेम रहा होगा, ये पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, CH डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और फाइनली आपको NH3 से रिएक्ट कर देना है, तो HNH2 आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो, क्योंकि दो ग्रुप है इसलिए हम दो ले लिए, ठीक है, ऐसे गया। तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो ये हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे एक माइनस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे भी माइनस चार्ज आएगा, तो यहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, इसका पोजीशन सेम रहा होगा, ये चेंज नहीं होगा, CH2
CO और यहां पे आ जाएगा NH2। NH2 पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, सी केयरफुली। इस NH2 पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये आसानी से वहां पे जुड़ जाएगा और ये भी सेम वैसे ही बनेगा CH2CONH2। अब देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है, ठीक है, तो ये दिया ऑप्शन बी में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन ई पे। क्वेश्चन ई कह रहा है कि PHCO C डबल बॉन्ड N2 CH2OCH3, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो इसको, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, N2CH2OCH3। अब देखो इसको हमने हीट किया, ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप मैकेनिज्म ड्रॉ करो। देखो इसको कैसे हम लिखेंगे, C N2 को हम ऐसे लिख सकते हैं N+(N-), ठीक है, और इसको आप लिखो CH2OCH3। सी केयरफुली, ये रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करेगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। PHC पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एंड यहां पे आएगा N+(NN) और ये आ जाएगा CH, H ऐसे लिख लो OCH3। अब देखो यहां पे जैसे ही हम हीट करेंगे तो यहां पे इंसर्शन रिएक्शन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, एक बॉन्ड ओल्ड वाला टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये नाइट्रोजन निकल जाएगा, बिकॉज N2 एक वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन जब यहां जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन टेक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां माइनस ऑलरेडी है, वहां जाके स्टिक हो जाएगा, ये बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CHOCH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है, या ये दिया ऑप्शन बी में। अब आ जाओ क्वेश्चन एफ में। अब एफ क्या कह रहा है, देखो कि इस कंपाउंड को हमने CH3OH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, ये भी अल्फा डाइएजोकीटोन ही है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर आप पहले बनाओ, ये कुछ पॉजिटिव, यहां पे लिख लो डबल बॉन्ड N-, ठीक है, यहां की टू ग्रुप लगा दो। अब देखो ये सबसे पहले क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन किस टाइप की होगी, ये देखो इसका रेजोनेंस पहले ड्रॉ कर लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, यहां पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, नाइट्रोजन पे प्लस, ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहां के बाद कैसे होगा, ये जो है कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहां से, ये देखो ये लोन पेयर यहां जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये माइनस आएगा, और इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, इस पे, ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर ये इस पे जाके अटैक करेगा, ध्यान देना बेटा, और ये N2 यहां से निकल जाएगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखो इसको मैं इरेज करके फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। देखो इस पे जो माइनस चार्ज है ना, देखो यहां पे एक माइनस चार्ज था, माइनस का मतलब लोन पेयर, तो ये बॉन्ड जो है यहां जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी ये इस कार्बन की, तो ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, यहां पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये माइनस जो इस पे अटैक करेगा और यहां से N2 यहां से निकल जाएगा, तो ये कितने की रिंग बन रही है, 4 की रिंग बन रही है, देखो 1 2 3 4। तो अब क्या करो, इसका स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करो, पहले 4 की रिंग बना लो, और यहां पे देखो C डबल बॉन्ड O आएगा, देखो ये कार्बन इससे जुड़ गया तो ये डबल बॉन्ड C आ गया और ये डबल बॉन्ड O है ही, ठीक है। अब देखो फर्दर इसको CH3OH से रिएक्ट करना है, अब इसको रिएक्ट कर दो CH3OH के साथ, जब CH3OH के साथ रिएक्ट करोगे तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनस ये प्लस, फिर से ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, एक नया स्ट्रक्चर इसका बनाओ, ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मिलाओ कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है, COCH3, ये दिया ऑप्शन बी में, ठीक है, ये देखो ऑप्शन बी में दिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अल्फा डाइजो कीटोन है, Ag2O बेस से रिएक्ट किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो इसमें क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप है, ये इस पे जाएगा और ये N2 निकलेगा। चलो मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं, CH2 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 CO CHN2 को आप ऐसे लिख लो CH- N+(NN),
ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो ये ऐसे जाएगा, ये कार्बन इस पे जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो फर्दर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहां पे रिएक्ट करेगा, यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, क्लियर, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहां से आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स की रिंग बना दो जिसमें ऑक्सीजन को पहला दे दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सिक्स पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, सिक्स पे कार्बोनिल ग्रुप लगाया है तो यहां पे लगा दो CO, ठीक है, एंड वन पे हाइड्रोजन भी लगा है और वन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब यहां से Ag2O बेस है, हाइड्रोजन को ले लेगा, Ag2O है अभी, हाइड्रोजन ले लेगा, वैसे भी हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा और इसका फाइनल प्रोडक्ट ही बन जाएगा, ठीक है। सी इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, इट इज गिवन इन ऑप्शन सी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो जी वाला रिएक्शन था इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई, पहले वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ, ये अल्फा डाइजोकीटोन था, यहां से रीअरेंजमेंट करके नाइट्रोजन निकला होगा, देखो ये N2 निकला, N ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये साइड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बना, फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन उसी कंपाउंड में होती है जब एक कंपाउंड के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है, तो वहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर, इसको NGP भी बोल सकते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। थैंक यू।